एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. भूल भी गई हूँ मैं बोलना कैसे बोलते हैं. सो वेलकम बैक अगेन. एंड आई नो आजकल बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुझे टाइम नहीं मिलता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू स्टार्ट इट. सो आज जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा, जिन जिनको नहीं पता, तो सिक्स बैच ऑफ मेकअप हेयर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट बहुत टाइम के बाद अब एंड भी होने वाला है. तो जिनकी क्लासेस चल रही थी तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बिजी थी. तो अभी फिलहाल वी डिसाइड किया, हमारे जो आज के स्टूडेंट्स थे, मतलब जो सिक्स बैच के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि आज हम सारे आज इकट्ठे रहेंगे. सो मैंने बोला ठीक है भाई, आप लोगों की दिली तमन्नाओं को पूरा किया जाए. तो आर यू पीपल एक्साइटेड? यस. ओके, सो बस आप लोग बने रहिएगा और आप लोगों को भी बताएंगे कि अब हम क्या करने वाले. अभी तो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि अभी हम कहाँ जाने वाले हैं. हाँ, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा यू नो चाय पार्टी वगैरह करेंगे क्योंकि और तो यहाँ पे कोई और नियर बाय कोई जगह है नहीं. सो अमिता शी इज फ्रॉम चंद्रकोट. अच्छा, तो चंद्रकोट में कहाँ पे रहते हो आप? मेन चंद्रकोट में रहते हैं. तो ये यहाँ पे मेकअप का कोर्स सीख रहे हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट से मैं आपको मिलाती हूँ. सो हे राहिदा, तो राहिदा कहाँ से हो? मैं भद्रवाह से. ठीक है, तो ये यहाँ से आए हुए हैं मेकअप का कोर्स सीखने के लिए. कुछ लोग इनको जानते भी होंगे पहले से. एक स्टूडेंट है, इनका नाम नहीं मैं आपको बताऊंगी. सो शी इज फ्रॉम बटोत. तो दूसरी वाली भी शी इज ऑल्सो फ्रॉम बटोत. ओके, सो एक्चुअली कुछ कॉन्फिडेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नाम रिवील करना इज नॉट नेसेसरी. बाकी आप नाजे को जानते हो और दो स्टूडेंट्स और उनसे भी हम आपको मिलाते हैं. बोझ ये है एक और स्टूडेंट. ये हैं कहाँ से हैं बताएं? किश्तवाड़ से. किश्तवाड़ से, ठीक है. तो ये भी मेकअप का कोर्स सीखने आए यहाँ से. बाकी बातें हम आपको और बताएंगे. लास्ट हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मिलाते हैं रोनिका से. रोनिका, तो ये रोनिका है. रोनिका जल्दी से बताओ कहाँ से हो. हाँ, कहाँ से हो? गोरीगुंज से. गोरीगुंज से. सो एक मिनट, आई हैव अ फोन कॉल. There is one more thing. New Year है. So कौन कौन New Year के लिए excited है? मैं तो New Year बनाती नहीं हूँ, but आज students की वजह से New Year बनाना पड़ रहा है. बढ़ता ही जाए दर्द रोना खत्म. तो अब हम सारे जा रहे हैं चाय पार्टी करने. तो let's go. अच्छा, सलून को यहाँ से अंदर से बंद कर लो. चलिए, तो अब हम जा रहे सारे. हम जा रहे सारे मजे करने, पार्टी करने. हाँ, हम सारे घर से भाग गए आज. भाग के आए हम चोरी चोरी. चले चोरी चोरी. इधर देखो, मेरा बाप तुम्हें चोरी चोरी आया हो तो मेरा बाप ही तुम्हें सेट कर दे. भागे जा रहे आपके मोमोज. क्या आज के डिनर में क्या है ये हमें सिमी बताएगी. आज के डिनर में क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं वेज बिरयानी. बिरयानी क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं बना सकते. तो हमने डिसाइड किया है कि हम बना रहे हैं वेज बिरयानी. और वेज बिरयानी कौन बना रही है? हाँ, तो आएगी नहीं सामने राहिद. और हमारे साथ वेज बिरयानी बनाने में मदद करने वाले हैं राहिदा, सिमी एम, उसका नाम नहीं ले रहे, और दूसरा अमिता, और कुछ भी चलेगा. चावल निकाले, कितनी कोलियां निकालनी है? 6-7 कोलियां निकाल दें. 6-7 कितने ये वाली? ये कितनी? 5 निकाली ना. ज़रा दिखा मुझे पतीला, कितने हो गए? नहीं और निकाल क्योंकि सारे हैं, बहुत सारे हैं भाई. बताओ, 6-7 तू 10 दे. 10 नहीं मम्मी, 10 मोलियां बड़ी है. ओके, तो नाजिया बर्तन धो रही है, मैं यहाँ पे चावल धोने वाली हूँ, यहाँ पे प्याज काटते हुए नीचे लड़कियाँ राहिदा और सिद्धि मेरे साथ शेफ का साथ. नहीं प्याज नहीं, टमाटर चाहिए मम्मी, टमाटर का. A few moments later. तो मैंने जो मटेरियल था ये वेज पुलाव को बना के रख दिया. यहाँ पे शक्लें मुझे किसी की नहीं लग रही है कुकिंग वाली, मुझे लगता नहीं है मुझे इन लोगों को कुकिंग आती है, बट चलो शक्लें दिखाना अपनी कुकिंग वाली. मेरे को आती है कुकिंग करने. आई एक और बातें डाल, मैं बनाती हूँ. अच्छा,
लड़कियों को काम आना चाहिए, नहीं कुकिंग आनी चाहिए इस चीज़ में। वो मेरा भी है सेम। मम्मी खाना पकाते गान डालती हूँ ना मैं, थोड़ा सा इधर उधर मैसी हो जाता है। आप रायदा, रायदा तो मैरिड है, रायदा खाना पकाते हुए गान डालता है? डालता है। अरे वो तो सब यार साहब, तो मेरे से मैं भी कर रही हूँ पढ़ता है। बस बस सुनो, जो घर अभी पढ़ने वाले हैं ना, तुम चारों पांचों देखना नहीं बना रहे हैं। नहीं मैं गन जैसे पढ़ता जाता अभी मुझे चला गया ना, अभी मुझे चला गया ना, मुझे गन कोई मुझे बोले मैं देखी देखी। बट कुकिंग कैसे करती हो नाजे, सच बोल बहुत अच्छी करती है, बट जो फिर उसके बाद वही होती है वो किसी पेट की बिल्कुल भी नहीं किचन की। ओ हेलो, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ शेफ एंड स्पेशली। वो बात की बात है, मैं स्टाइल मारते मारते खाना बनाती हूं, है ना मम्मी? पता नहीं तो ये करते रोना बस यार, हमेशा मेरी वीडियो खराब करती है मम्मी। इसको एक काम करो, चार्जिंग पे लगाओ। डिशेस बन रही है, और मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। अब हम डालने वाले हैं इसमें मिर्ची। आपको लगी? लगनी भी चाहिए, इसको लगनी चाहिए। आप एक काम करो, आप लोग बैठो अंदर, मैं देख लेती हूँ। काम कर, काम काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी पे सुखा दूंगा। अब हम बनाने वाले पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न लाया किसने? राहिदा जी ने। बट ये कोई दूसरे घर वाले पॉपकॉर्न है, मुझे नहीं पता ये कैसे बनाते हैं। राहिदा बनाएगी मतलब। अब यहाँ पे हो रही है हलवे की लड़ाई, क्योंकि हलवा बना था पहले से, तो ये सारे बोल रहे हैं कि मैंने भी खाना नहीं। अगर खाना है तो बना लो, अगर बनाना आता है तो। अब अमिता खाओगे? अब खाना बनने ही वाला है, सारे आ जाओ। कुकिंग टाइम विद राबिया। गिर नहीं जाएगी। वाले पॉपकॉर्न है ये कहाँ से लाए यार? मुझे अभी पता चला ये देसी मक्की के बनते हैं। इट मीन्स मतलब पैकेट वाले भी यही होते हैं लोगों के, बन रहे पॉपकॉर्न जो ही देसी पॉपकॉर्न। और ये आज मुझे पता चल रहा है कि ये देसी मक्की के बनते हैं, मतलब जो पॉपकॉर्न वाली मक्की होती है ना, पॉपकॉर्न वाली मक्की के। मुझे लगता था पैकेट में कुछ अजीब अजूबा होता है, उसी से बनते हैं पॉपकॉर्न, तो मुझे ये नहीं पता था कि इस वाले से अलग बनते हैं। वाओ, मोस्ट वेलकम, वेयर वर यू? ये कैसी हंसी थी? कुछ याद आया? एक वीडियो है। कोई काम नहीं करवाया, मैं बस करवाने आई, पर आपने कहा मतलब वालों ने आपको ये सिखाया है, मतलब कि काम किए बिना जो है पेट पूजा की जाए? नहीं, उन्होंने सिखाया काम करना चाहिए फिर, पर मैं थोड़ी बिजी थी ना। आई वाज किडिंग, जस्ट मजाक कर रही हूं। मुझे जब मैं खुद करती हूँ कुकिंग, मुझे नहीं चाहिए होती किसी की हेल्प। बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन वो पहले से बनाया हुआ, लेकिन बाकी जो अभी बनाया वो दिखाते हैं। अभी बनी रही है, बाकी हमने चाय का इंतजाम किया है। इस चाय पार्टी की तैयारी हो चुकी है, हम आपको बताते हैं कहाँ पे बैठ रहे हैं। नहीं, मैंने सबके लिए बनाई है, अब आओ। ये ओ यार जगह, पहले अपनी अपनी जगह बनाओ। यहाँ पे एक पीढ़ी भी है, इसमें बैठ सकते हो। कोई
शर्मा क्यों रहे हो? रानिका सुना कुछ सॉन्ग जो भी तू बोल रही पांच पुत्र थे आगे आगे पता नहीं यार आगे भी था ना वो कि दो अभी दो नहीं शराबी वो दूसरा था दो अभी दो शराबी येरा मेरे हांदा और निकलिया फुल गुलाबी ग्राक हां ग्रापी ग्रापी है भाई गुलाबी ससरिये तेरे पांच पुत्र दो अभी दो शराबी येरा मेरे हांदे आओ निकले फुल गुलाबी काला शाह काला मेरा काला ए सरदार को यंजफा कलो 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 भाई कलो नहीं करो नहीं रोनिका आज ना फिर से अपनी कोई बात सुनाएगी कौन सी हाँ कोई भी कपी कपी क्या बोलते हैं सॉक्स को उसमें डोगरी जराबे लगाओ यार यार क्या करना अपनी डोगरी है इसको थोड़ी शॉर्ट था वो उन्हें भी दोबारा डोगरी इंग्लिश नहीं आंदी पाई हूं डोगरी या बंदा सही गल सुनादा तो सुना ना मर गए अंग्रेज को सिखा के हे गल्ला नहीं तो कब सुनाएगी क्या नहीं तो जब मैं बात करती हूं आती है समझ इले समझ आ गई भाई ना एक्सप्लेन करना ना आता तो बोल दिया करो ना भाई नहीं आ रही समझ नहीं ना बोल दी भी सकते बट की बोलना ज्यादा डोगरी पर ये यानी कि गाने लग रहा कि यार हम ये नहीं बता सकते भाई कि आपके बच्चे जो आते हैं सैलून में इतने नालायक हमको इंग्लिश नहीं आता हां काम कर दीजिए आप किन जन नहीं करो अच्छा दिखाना नहीं बस तोतले हैं थोड़े से कोई तोतले नहीं है हम क्या क्या ऐसी बात नहीं ऐसी बात नहीं है हम इंटेलिजेंट हैं पर हम दिखाना नहीं चाहते हैं नजर लग जाती है लोगों को मेरे इतने बच भी नजर तो क्या बोला क्या बोला मैं भी तूने नजर का बताया थोड़ा जो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे हमें नजर होगी यही बात है यार नजर तो हमारे सिक्स बैच के स्टूडेंट जितने भी है उनमें एक जो स्टूडेंट है वो बहुत वहमी है तो वो है रोनिका क्योंकि रोनिका को कुछ भी हो जाए रोनिका पत्थर लेके ऐसे ऐसे करके पीछे फेंक दी जाती है कि मुझे नजर हो गई आप अपने जो हमारे सिक्स बैच के बच्चे हैं आप उनकी एक एक हैबिट बताओ हाँ सही बात है हैबिट मैं कैसे बताऊँ आपकी हैबिट है हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि आप लोगों की कौन सी हैबिट मुझे अजीब लगती है आज से एक एक बताओ और कौन सी अच्छी बोलो मैम आप बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहते हो कौन से बच्चों के बारे में ओके तो नजर आना चलो एक अच्छी आदत मेरी बोलो और एक बुरी आदत बोलो अच्छी आदत सबसे अच्छी आदत आपकी ये है कि आप सबको बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझाती हो और आपकी बुरी आदत ये है कि जो बंदा कोई काम नहीं कर सकता है आप उसके अंदर भी हौसला पैदा कर देते हो ये बुरी ये बुरी आदत है ये बुरी आदत क्यों जी बुरी आदत है कहते हैं हौसला पैदा करना किसी के अंदर किसी के बस की बात नहीं होती है तो ये अच्छी आदत है ना बस मैंने बोल दिया बुरी और अच्छी आदत हो गई मेरी चलो ठीक मतलब अच्छी आदत ही है चलो ठीक है भाई अब क्या हौसले बुलंद रहने चाहिए इंसान के आप आए इसीलिए मैं ही अगर आप लोगों को डरा दूंगी तो कैसे आगे चल पड़ेगा मैंने आपकी अच्छी और बुरी आदत बोल दी है जो मुझे लगता है ठीक है रोनिका एक अच्छी आदत एक बुरी आदत आपकी अच्छी आदत ये है कि आप मेरे को बड़े अच्छे लगते हो यार ये अच्छी आदत थोड़ी ना हुई मेरे मुंह के सामने तो अच्छे इनके अंदर जो क्वालिटी वो बोलनी है क्योंकि आप हर एक इंसान को अच्छे से गाइड करते हो और उसको समझते भी हो और डांटते भी हो और डांटने के बाद फिर मतलब कि आपको ऐसे रियलाइज भी होता है कि यार क्या पता मैंने इसको कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया क्या पता मैंने इसको ज्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया बुरी आदत तो कुछ है नहीं आप गुस्सा करते हो फिर मतलब गुस्सा आपको बड़ा ज्यादा आता है पर फिर मतलब कि नॉर्मल हो जाते हो ना जब आप मतलब जब गुस्सा आपका थोड़ा शांत होता है फिर आपको समझ में आता है कि यार क्या मतलब मैंने इसको कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया हर्ट तो नहीं अच्छा मतलब गुस्सा करते हो ये मेरी बुरी आदत है नहीं बुरी भी नहीं है मतलब करना भी चाहिए गुस्सा आता है तो बड़ा ज्यादा आता है ऐसे ओवर ऐसे तब मैं ऐसे डरती नहीं आपसे पर जब आपको गुस्सा आता है फिर बड़ा ज्यादा डर लगता है और जब मैं फर्स्ट टाइम जहाँ पे आई थी ना तो मतलब ऐसे होता है ना जब मैं कहीं और भी गई थी ना वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसे बात नहीं करनी होती थी कुछ भी ऐसे मतलब पर आपके साथ इधर आके ना मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगा और जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आई थी आपको देखा था मिली थी आपसे
तब भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, और तब से मतलब कि ये होता है ना कि बंदा डरता है किसी से कुछ भी बात है, मेरे को डर नहीं लगा था, मैं खुल के जो भी बात होती थी खुल के कर लेती थी। ठीक है मीता, मैं तेरे से पता क्या पूछूंगी, आप मुझे बताओ जब आप इधर आए थे तब मैं आपको कैसी लगी थी, क्या सुना था मेरे बारे में, और फिर जब इधर आई फिर मेरे को जान के कैसा लगा? चलो मैम, जब मैंने आपको देखा नहीं था मेरा मतलब हाँ। ऐसे रील्स वगैरह देखी हाँ। तो मुझे डर सा लगता था क्योंकि आप इंग्लिश में बात करते हो, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है। सॉरी यार, सॉरी। जब आपसे मिली तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब फिर मैंने इंग्लिश मारी। नहीं मैम, ऐसे मतलब जो आप करते हो ऐसे मतलब मेरे को समझ तो आ जाता है बट कभी कभी नहीं आता है, तो मैं बोल भी तो देती हूँ ना हाँ, कि नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अब आज के बाद मैं इंग्लिश नहीं मारूंगी, ठीक है? इंग्लिश मार देना, फिर एक्सप्लेन कर देना कि इसका मीनिंग ये था। इसका यार इतनी टफ इंग्लिश नहीं मारती हूँ मैं, कम ऑन। अगर बीच में कभी कभी नहीं समझ आता है ना तो हम बोल देते हैं कि नहीं आता है, तो फिर नहीं यार, इससे हमें सीखने को तो मिलेगा। हाँ, वही तो, वही तो। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें ग्रामर क्लासेस इंग्लिश क्लासेस भी देनी है। यस मैम। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा चलो ठीक, नहीं अच्छी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल से मैं आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बताऊंगी। ठीक है, अच्छा बोलो तो आप कैसा लगा मिलने के बाद? मैम अब बहुत अच्छा लगा, कुछ ऐसी चीज हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बोले मेरे को इंग्लिश नहीं आती। क्यों? कभी भी समझ गई हूँ। तू सुना तू भी। आप मतलब ये कि आपको कोई बोलता होगा कि मतलब जो राबिया उसको बड़ा एटीट्यूड है, वो ऐसे या वैसे या, तो इधर आके आपको लगा कि मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो फिर एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ राहिदा, चल मेरे बारे में एक अच्छी आदत एक बुरी आदत। राहिदा तू मुझे बचपन से जानती है, अब ये बताओ राहिदा अच्छी आदत भी बताना और बुरी आदत भी बताना अभी तक मेरी तेरी जर्नल। बुरी आदत तो है नहीं कुछ भी, पहले तो लगा था मुझे कि मतलब मतलब ओवर एक्टिंग या कुछ मतलब हो गया होगा स्कूल के बाद। ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे आके अच्छा लगा कि जैसी थी वैसी है। अच्छा स्कूल टाइम में कैसी थी ये बता दे। जैसी है ना ऐसी थी, कुछ चेंजिंग आई? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा स्कूल टाइम में कैसी थी ये बता दे। गुस्से वाला नहीं, हर किसी के साथ प्यार से रहने वाले थे, हर किसी के साथ प्यारी प्यारी बातें करने वाले थे। वो तो नहीं थे। मैं स्कूल टाइम में बहुत खुश थी। वो तो नहीं थे। एटीट्यूड में रहने वाले थे। टीचर्स की तो फेवरेट थी, लेकिन ये बता के ठीक है इसको कैसे करो, इसको मर गई मर गई। तेरी सास तुझे बहुत प्यार करती है। स्कूल टाइम में मतलब एक्टिव थे, मतलब किसी की बात सुनते नहीं थे ना किसी से बात करते थे, और मतलब कि बड़े सारे ऐसे थे जैसे मेरे को इन्होंने बताया, ठीक है कि आप बड़े ज्यादा तेज थे, मतलब कि किसी की बात ऐसा होता है ना कि हाँ ही मतलब ऐसे कुछ भी ऐसे, वो नहीं था आपने बिल्कुल नहीं। और हाँ फालतू बात किसी से नहीं करनी है, और सभी को यही लगता था हमारे इतना एटीट्यूड है इसको, इस लड़की में इतना, ये नहीं पता दिल की, पर ऐसा कुछ नहीं था। कोई बंदा होता है ना कि ऐसे शो ऑफ करना, ये वो भी नहीं था। अब इधर मतलब मैंने कहा इनको तो पता, मतलब पहले तो आप इनके साथ रहते थे स्कूल में, कुछ भी बात है मुझे इतना क्या पता, पर मैंने इधर आके मतलब ये ऐसे मतलब कि रील्स वगैरह जब वहाँ पे देखा था ना, मैंने भी सोचा पता नहीं कितने तेज होंगे यार, ये तो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं क्या ये बोलूं, पर इधर आके यार चलो खाना खाने में ऐसे कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल होता है ना सब कुछ ऐसे। ये देखो साइड से ढंग से बाकी चीजें भी लाओ अंदर से कर दो। अच्छा तो खाना तो हो गया, अब ये बताओ खाना खा गया था? व्हाट अबाउट यू नजराना? मैम बहुत अच्छा था, आंखों ने बोला बहुत अच्छा और खाना है, पेट बोल रहा है बस मंगकर आंखें नहीं खा रही। बहुत अच्छा था मैम, बढ़िया मजा आया। आपने कितनी बार खाया? बोल रहा इसमें क्या याद ही नहीं है। मैंने तो भाई दो बार खाया, आप लोगों ने? मैंने दो बार, मैंने एक बार खाया। ओके सो खाना कैसा बना था? एकदम लाजवाब। थैंक यू। नहीं आप लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाई, ऐसी बात नहीं है। तू तो थी नहीं यहाँ पे। गाइस अब हम आगे सलोन में, और सलोन में हम आज मूवी देखने वाले हैं। आई डोंट नो, ये तो सारे बोल रहे हैं कि हॉरर मूवी देखनी है, सो अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे लिए अभी मैं हॉरर मूवी है ही नहीं, तो इसलिए देखते हैं जो जिस टाइप की होगी देख लेना।
इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सी डांस पार्टी चले, वो हम नहीं, नहीं मैं अभी लोगों को बता नहीं सकती हूँ, तो फिर उसके बाद हमने केक कट किया और टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सेलिब्रेट नो मोर, मुझे नहीं करती हूँ सेलिब्रेट, पर टू बी ऑनेस्ट सेलिब्रेट, सो दैट्स व्हाई हमने सेलिब्रेट किया फिर केक कट करने के बाद, हमें मूवी देखनी थी थोड़ी सी, केक कट करते हैं, आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे। हमारा कुछ लाइफ लेसन्स की बात चल रही थी जो मैं इनको थोड़ा बहुत लेक्चर दे रही थी, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड, आई किसी चीज़ को समझ, मतलब अब इस चीज़ पे आप गौर फरमाओगे, चलो ठीक है। ऑल द इसको अकेले क्यों लगाया है, सब ले करो इसको यहाँ पे पहुँच कर। तो आज हम सलोन में अभी मूवी देखने का टाइम चल रहा है हमारा, तैयारी चल रही है, आई मीन ओ इसको ऐसे नहीं उठा के करना, नीचे से वो फट जाएगा। कैन यू प्लीज जस्ट क्लोज द डोर, वो कौन गया भाई। हम इस टाइम पे मूवी देखने के लिए सब तैयार हो चुके हैं और हमारा सिनेमा हॉल रेडी है, मूवी टाइम। तो अब हम मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, वो भी रात को 1 बजे। ड्यूटी नाइट केयर बिकते हुए कुछ ही प्रोडक्ट्स रहे हैं, आके जल्दी जल्दी बाय कर लीजिए, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ओ भाई जल्दी करो, थिएटर में इतनी वो क्या बोलते हैं, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, इट्स पीवीआर। कौन कौन एक्साइटेड है? हम। ओके फाइन, तो स्टार्ट करें। यस चलो दे दो मुझे जगह। मैडम आस्ता बंडल, चलो थोड़ी सी दे दो ना जगह, थोड़ी जगह दे दे हमें। वही लाइट्स लाइट्स अपने ये करती है वहां पर, रोनिका बैठी है यार, रुको रोनिका हिलेगी, हमें जगह मिलेगी यार, हमने देखनी है, हॉरर थी लेकिन हॉरर मेरे लापे में थी ही नहीं भाई। पीछे से भी बंद कर दो, पीछे से भी सारी बंद करो। तो हमारी मूवी स्टार्ट हो रही है, आप हमारा थिएटर देख सकते हो, चुप रहना आप सारे, बेमौल गए हम जम्मू के मॉल में इस टाइम पे, जम्मू में गया, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय लेटे बैठे नाचते, अच्छा लग रहा है सबको, बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार, बहुत अच्छा। लाइट्स ऑफ होने वाली है थिएटर की, प्लीज चुप करें जी, हम जम्मू गए हैं बेमॉल बड़ी मुश्किल से पहुंचे, शक्ल ही दिख रही है भाई, बड़ी मछली धक्के हा हा के गाड़ियों में, हाँ चुप करना आप, ये मेरी फेवरेट मूवी है प्लीज। तो सभी बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हुए मूवी, और जैसे एक सॉन्ग आया फिर हम दोबारा से एनर्जी हमें आ गई, लाइट्स ऑन। कैसी लगी मूवी? सो हैप्पी 2024 टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छा लगा, हमारी मूवी इस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है,
सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. रॉकस्टार मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है, तो मैंने सोचा आज आप सबको दिखाई जाए. सो क्या रिव्यूज दो भाई? मैं तो फर्स्ट टाइम देखी, बहुत अच्छी. हाँ मैंने दूसरी बार ही. हाँ मैंने भी, मैंने तो बड़ी बार देख ली है. रायदा थिएटर कैसे लगा भाई ये बताओ? ओके फाइन. सो चले अब सोने के लिए, सुबह के 4 बज रहे हैं. सो लेट्स गो. सुनो मेरी बात, आधे डालते नीचे बिस्तर, आधे डालते ऊपर. ऐसे नहीं तो अगर चाहो तो दूसरे रूम में सो सकते हो. इकट्ठे सोना. चलो ठीक है फिर, आ जाओ. सो गाइस यहीं पे हम व्लॉग को करते हैं एंड. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. सो गुड नाइट एवरीवन. मैं और ब्लश अब सोने वाले हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. सो गुड नाइट, टेक केयर.